आज हम रवे का उत्तपम बना रहे हैं। रवे का उत्तपम बनाने के लिए हमने 4 कटोरी रवा लिया है और उसमें 2 कटोरी पानी और 2 कटोरी दही लिया है। ये सेम रेशो से हमको लेना है। उसमें हम डालेंगे सब्जियां, आप अपनी मनपसंद डाल सकते हैं, गाजर, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची और शिमला मिर्ची भी डाल सकते हैं आप। तो चलिए आज हम रवे का उत्तपम बनाना स्टार्ट करते हैं। उत्तपम बनाने के लिए हमको इसको मीडियम आंच पे ही बनाना है। सबसे पहले हम तवे को गरम करेंगे, उसमें तेल लगाएंगे। अब हम इसको अच्छे से हमने जो बैटर बना के रखा है इसका रवे का, इसको हमने 10 मिनट के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख दिया था। अब हम इसका बैटर तवे पे डालेंगे। तवा हमारा हल्का गर्म हो चुका है, इसको थोड़ी देर हमने काट के रखी है वो इसमें डालेंगे। सबको थोड़ा सा प्रेस कर 2 मिनट के लिए इसको हम ढककर रखेंगे। ढक्कन को हम खोलेंगे, हटाएंगे और इधर से देखेंगे कि हमारा, ये देखिए नीचे से ये ब्राउन होना चालू हो रहा है। अब हम इसमें साइड से तेल डालेंगे। अब हम इसको पलटेंगे, हल्का ब्राउन होने के बाद हम इसको ये देखिए सब्जियां नीचे से पक रही है। तो इस प्रकार से हम सारे उत्तपम बना लेंगे। उत्तपम हमारा बनकर तैयार हो गया। ये देखिए ये हमारा उत्तपम तैयार हो गया है। अब इसको हम सर्विंग प्लेट में डालेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हम सारे उत्तपम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये सब्जी मिक्स करके भी हम इसको ऐसा बना सकते हैं, सारी सब्जियों को मिक्स करके भी हम इसको इस टाइप से भी उत्तपम बना सकते हैं हम घर में।